देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। नमस्कार, मैं हूं जीशान और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। टीवी और फिल्म जगत के फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर में लगातार ऊंची उड़ान भरते जा रहे थे और इतने संघर्ष के बाद बड़े मुकाम पर भी पहुंच गए थे, लेकिन महज 34 साल की उम्र में रहस्यमयी तरीके से इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत की खबर सुनते ही फिल्म जगत में शोक की लहर सी दौड़ पड़ी। सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अनुपम खेर सहित कई लोगों ने ट्वीट किया। तो वही कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सुशांत की मौत को लेकर फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठाया। आपको बता दें कि सुशांत की मौत के बाद ढेरों अटकलें लगाई जा रही थी। सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके सुसाइड करने का कारण क्या था। किसी ने उनके पूर्व मैनेजर की मौत का कारण बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी माँ की मौत को लेकर डिप्रेशन बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता संजय निरुपम सुशांत की मौत को लेकर फिल्म इंडस्ट्री पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, छिछोरे हिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 7 फिल्में साइन की थी। 6 महीने में उसके हाथ से सारी फिल्में निकल गई थी। क्यों? फिल्म इंडस्ट्री की निष्ठुरता एक अलग लेवल पर काम करती है। इसी निष्ठुरता ने एक प्रतिभावान कलाकार को मार डाला। तो वहीं निर्देशक मुकेश भट्ट का कहना है कि उन्हें ऐसा होने वाला है, ये पहले से ही भांप लिया था। मुकेश भट्ट ने सुशांत की आत्महत्या पर एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, मैंने ये आते हुए देख लिया था, मेरी उससे बातें भी हुई थी, तभी मुझे लग गया था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। हम सड़क 2 में एक साथ काम करने की योजना बना रहे थे। महेश भट्ट की सुपरहिट फिल्म सड़क का रीमेक बन रहा है, जिसमें आलिया भट्ट, कुणाल राय कपूर, संजय दत्त और पूजा भट्ट नजर आने वाले थे। बता दें कि सुशांत का शव पंखे से लटका मिला और इसी के बाद से उनकी इस मौत को आत्महत्या माना जा रहा है। पुलिस की जांच जारी है और पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार उन्हें अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। वहीं इस मामले की जांच के लिए उन्हें शव को अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। बिहार के रहने वाले सुशांत सिंह एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें सफलता रातों रात नहीं मिली, बल्कि लंबा स्ट्रगल और टीवी की दुनिया में पवित्र रिश्ता से अपनी पहचान बनाने के बाद सुशांत ने फिल्मों का रुख किया। MS धोनी में अपने क्रिकेट के अंदाज से सुशांत ने कई तारीफें पाई थी, लेकिन पिछले कुछ साल उनके करियर के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। उनकी फिल्म सोन चिरैया को तारीफें काफ़ी मिली, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। वहीं आखिरी फिल्म ड्राइव को थिएटर पर रिलीज नहीं किया गया और खबरों की माने तो सुशांत इस बात से काफ़ी नाराज थे। अपनी फिल्म छिछोरे में सुशांत एक ऐसे बेटे के पिता नजर आए थे जो आत्महत्या जैसे रास्ते को चुनता है। पूरी फिल्म में सुशांत अपने बेटे को इस विचार से दूर करने की कोशिश करते हैं। पुलिस की माने तो वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि सुशांत ने सुसाइड से पहले अपने एक दोस्त को कॉल किया था, जिनका नाम महेश शेट्टी है। महेश शेट्टी ने बताया कि सुशांत ने पिछले कुछ दिनों में अपनी डिप्रेशन कम करने वाली दवाइयां लेना बंद कर दी थी। मीडिया में छपी खबरों से ये खुलासा किया गया है कि महेश शेट्टी ही वो आखिरी शख्स हैं जिन्हें सुशांत ने आत्महत्या करने से पहले फ़ोन किया था। हालांकि किसी कारण से महेश ने फ़ोन नहीं उठाया और दोनों में कोई बातचीत नहीं हो पाई। सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री अभी भी सदमे में है। सभी लोग एक ही सवाल पर जाकर अटक जा रहे हैं कि आखिर सुशांत को ऐसी क्या परेशानी थी जिसके कारण से उन्होंने ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया। यदि मौत का कारण डिप्रेशन ही है तो डिप्रेशन किस कारण से हुआ? सबके मन में बार बार यही सवाल आ रहा है। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।